चेंज है ना वो अपने आप से शुरू होता है। अपनी इसलाह के बाद दूसरों की इसलाह करनी है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह की दी हुई अमानत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और इसका मतलब है कि आप इस्लाम से कोसों दूर हैं। इबादात का तकद्दस अपनी जगह, लेकिन ये जो बाकी लाइफ में जो डिसिप्लिन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन है, उसकी लाइफ में सेल्फ लव है, और जिसकी लाइफ में सेल्फ लव है, अपने पास मोहब्बत होगी तो आप दूसरों में तकसीम करोगे ना। तो फिर से एक्सरसाइज की जहन साजी, डिफॉल्ट फूड को चेंज करना उसकी जहन साजी, और जल्दी सोना और जल्दी जागना इसकी जहन साजी हमें करनी है। उसके बाद हमने कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करना है, और आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो मैं कहता रहता हूँ ना कि डॉक्टर बदलने के साथ खुद को भी बदलना है, मैं चाहता हूँ कि जब आप मेरे पास आएँ तो कम अज़ कम इन तीन चीज़ों के ऊपर काम करके आएँ, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो।